देखो वो आपको पढ़ा क्या रहा सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में वो आपको क्यूब क्यूब पढ़ना, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर वगैरह पढ़ना है ना, आगे बहुत सारे होते हैं है ना बाबू, आपका कोन होता है, फ्रस्टम होता है, पिरामिड होता है ना, बहुत सारे होते हैं फिगर है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट आप लोग को बुक में दिया वो पढ़ा देते हैं ना, पढ़ा देते वो है ना, बाकी अगर टाइम बचता तो और सब पढ़ा देते डिटेल से है ना। एरोसनियन करो तो कल आपको बाबू कन्वर्जन बता रहे थे ना बाबू, कि मान लो बाबू मिलीमीटर से डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे है ना, तो अगर सिर्फ काली बाबू लेंथ रहेगा, जैसे बाबू किलोमीटर से हेक्टामीटर में लाना, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से, 10 से। अगर एरिया रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना, अगर बाबू क्यूबिक रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करना 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, याद कर लेना, किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, इस तरह से याद कर लीजिएगा है ना बाबू ठीक। और देखना एरिया वाला है कि वॉल्यूम वाला है कि लेंथ वाला है ना, पेरीमीटर वगैरह, तो अगर मान लो वॉल्यूम रहेगा तो यहाँ से यहाँ कितना करोगे है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कल आपको बताए थे, यहाँ से यहाँ कितना करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से यहाँ अगर जाना रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ अगर जाना रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो कितना करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब भूल जाता है, इसी को याद रखना है ना, याद रखोगे ना तो आसानी से तुरंत फटाक से रफ में लिखोगे और बना डालोगे, बना डालोगे ठीक। अगर इधर से आना मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर क्यूब में लाना, तो 1000 से क्या करना डिवाइड करना, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आना है ना, ये छोटका यूनिट हो गया, ये क्या हो गया बड़का हो गया, तो बड़का से छोटका में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, और छोटा से बड़ा में आ रहे हो तो डिवाइड करो, इसमें कितना करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ से यहाँ आओगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम रहेगा तब, अभी हम लोग वॉल्यूम वाला पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए क्यूब है ना, और जब लेंथ रहेगा तो 10 से करेंगे, लेंथ रहेगा तो क्या करेंगे 10 से करेंगे, एरिया रहेगा तो 100 से करेंगे, एरिया रहेगा तो कितना से करेंगे 100 से करेंगे है ना, 100 से करेंगे ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना ध्यान रखना है ना ठीक बाबू। अब यहाँ पे कन्वर्जन दिया तो ये सब कीजिएगा, एक आपको बता दो, जैसे 15 किलोमीटर है बराबर कितना एमएम क्यूब, आपको कह रहा है 15 मिलीमीटर क्यूब में कितना बाबू, 50 किलोमीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होगा है ना ठीक, शांति समझना है ना, क्या कह रहा 15 किलोमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में मिलीमीटर क्यूब, तो किलोमीटर यहाँ है मिलीमीटर यहाँ है, तो इधर से जा रहे ना, अगर इधर से बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ जा रहे, किलोमीटर बड़का यूनिट है मिलीमीटर छोटका यूनिट है, तो बड़का से अगर छोटका की ओर जा रहे हो, बड़का से छोटका की ओर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना, बड़का से छोटका जा रहे हो तो क्या करना मल्टीप्लाई करना, मतलब 15 है तो 15 लिख देना ठीक, और किलोमीटर से मिलीमीटर तो कई गो 1000 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर यहाँ है, उछल के यहाँ जाओ, यहाँ से 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 यहाँ जाओ, तो कितना है 0 है ना, 3 0 3 6 0 3 9 3 12 3 15 3 18 0 हो जाएगा है ना, 18 0 हो जाएगा, मतलब कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10^18 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 18 0 मतलब क्या 10^18 हो जाएगा, जैसे 1 मीटर क्यूब में कितना किलोमीटर मीटर क्यूब, 1 m मीटर क्यूब में कितना किलोमीटर क्यूब है ना, तो 1 है तो 1 लिख दो और मल्टीप्लाई करो है ना बाबू, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो भला है ना, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब आगे देखो मिलीमीटर क्यूब है, हाँ सर मिलीमीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है, तो मिलीमीटर से किलोमीटर छोटका से देखो, मिलीमीटर है किलोमीटर, तो छोटका से बड़का ना है बाबू, मिलीमीटर क्या छोटका यूनिट और किलोमीटर क्या बड़का है, तो छोटका से बड़का है तो इधर छोटा है और इधर क्या बड़ा है, तो छोटा से बड़ा होगा तो डिवाइड करना, तो 3 0 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0, तो 3 0 है ना, 3 6 0 9 0 12 15 18 0 डिवाइड करोगे, तो 1/18 0 मतलब 10^18, 18 0 का मतलब क्या 10^18, 18 0 का मतलब क्या 10^18 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, इसको फर्दर लिखोगे तो 1 × 10^-18 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा है ना ठीक। 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले देखो सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है, यहाँ है सर, अब मीटर क्यूब कहाँ है, यहाँ है, तो हम लोग क्या छोटका से बड़का की ओर जा, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर क्यूब क्या है बड़ा यूनिट है, तो छोटा से बड़ा जाओगे तो डिवाइड करना, छोटका से बड़का जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो 10 है तो 10 लिख देना, डिवाइड करेंगे कितना से डिवाइड करेंगे सर, तो देखो सेंटी से मीटर लाना, तो सेंटी यहाँ है ना और मीटर यहाँ है, तो सेंटी से मीटर लाओगे तो कई गो 10 कई गो होगा 0 3 3 6 0
कितना 0 3 3 6 0, तो 6 0 से डिवाइड करोगे तो 10/10^6 0, इसी को कैसे लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई कि माइनस ऊपर चल जाएगा तो 10^6 मीटर क्यों, है ना। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना है ना कि छोटका से बड़का जा रहे हो कि बड़का से छोटका यूनिट जा रहा है। अगर बड़का से छोटका यूनिट की ओर जा रहे हो है ना, तो वैल्यूम रहेगा, यहाँ पे वैल्यूम है ना जी, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वैल्यूम का। अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और सिंपल मीटर लेंथ रहेगा जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे ना, 10 10 करके लिखेंगे ना, और कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में सर, आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये टॉपिक आपको बाबू कभी भी, जैसे आपको लेंथ रहेगा तो कभी डेसीमीटर सेंटीमीटर आ जाएगा कन्वर्ट करने के लिए, तो इसी को याद रखो, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। मान लो मास नापना रहेगा किलोग्राम में, तो क्या होगा, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, बाकी वही चीज है, फिर बाबू डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, है ना, मास नापना रहेगा ना। मान लो लीटर नापना रहे दूध वगैरह, है ना, तो किलो लीटर, हेक्टा लीटर, डेका लीटर, लीटर, और डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर, है ना। इस तरह से यहाँ पे सारे के लिए वैलिड रहेगा, क्या रहेगा, सारे के लिए वैलिड रहेगा ना। और उसी तरह से 10 10 करके क्या करना, मल्टीप्लाई करना, है ना। 12 नंबर में और नहीं होगा 1 × 10⁻⁵? हाँ होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उस हो जाएगा, है ना। ठीक, तो बड़का से छोटका जाओगे तो मल्टीप्लाई कर देना, छोटका से बड़का होगे तो डिवाइड कर देना। ठीक, तो ये आपको यूज आएगा, कभी फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ आ जाएगा, है ना, मोशन वगैरह पढ़ोगे, मैंने कोई भी सब्जेक्ट में आ सकता है ना, मैथ में आ जाएगा कभी, फिर केमिस्ट्री में आ जाएगा कभी, है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे, है ना, न्यूमेरिकल बनाओगे तो वहाँ आ सकता है ना, वॉल्यूम वगैरह में, वॉल्यूम वगैरह में, है ना, तो आपको कहीं भी आ सकता है ना। बाकी 3 4 को करके भेजिएगा, है ना, बाकी 3 4 को करके भेजिएगा, है ना, सब हम ही बताएंगे, है ना, इतना समझ गया। अब आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, वैल्यूम पढ़ा, ये क्यूबाइड के बारे में पढ़ना, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वैल्यूम, तो क्यूबाइड के पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यूबाइड के बारे में, तो क्यूबाइड के बारे में बेसिक जानकारी है ना, आपको नॉलेज आना चाहिए, है ना। बेटो वीडियो ऑन करो जी, ठीक है, क्यूबाइड के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए आप लोग को, है ना। ठीक, कहाँ गप कर रहा है बाबू, आलोक बहुत पिटेंगे जी, आर्यन। तो क्यूबाइड क्या होता है बाबू, क्यूबाइड कुछ नहीं होता बाबू, 6 गो रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस को बाबू, है ना, चारों तरफ से घेर दो तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, बताया था ना जी, 6 गो रेक्टेंगुलर सरफेस से अगर घेर दीजिए बाबू तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, है ना, 6 गो। या बाबू आप ऐसे भी कह सकते हो भोला, ठीक, शांति से समझते चलना, जैसे एगो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, एगो क्या बाबू ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, अब ऐसा ऐसा 6 गो से क्या करो, क्लोज फिगर बना दो, एक इधर रखो, एक नीचे रखो, एक इधर रखो, ऊपर रखो, है ना बाबू, इस तरह से एक पीछे रखो, आगे रखो, तो 6 गो रेक्टेंगुलर जो बाबू रीजन होगा या प्लेन सरफेस होगा उसको चारों तरफ से घेर दोगे तो आपका जो शेप बनेगा क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, है ना। तो कल आपको बताए थे क्यूबाइड का बेस कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा, इसका जो बेस होता है या इसका हर एक बेस कैसा होगा, वो रेक्टेंगल होगा। ए बेटो वीडियो ऑन करो जी, ठीक, इसका बेस कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा, ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है, कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक, अब इसमें बेसिक टर्म आपको सीखना है, एज क्या होता है सर, वर्टिक्स क्या होता है सर, बेस क्या होता है सर, लेटरल सरफेस क्या होता है, इतना सीखना है ना, इतना पहले सिखा देते हैं ना, इतना सिखा देते हैं ना। तो एजेज क्या होता है बाबू, तो 2 गो फेसेस बाबू जहाँ पे बाबू इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे वो लाइन सेगमेंट बनेगा, उसी को क्या कहेंगे, एज कहेंगे। नहीं समझ में आया है ना, अब समझो, कुछ नहीं समझ में आया ना, वो बुक वाला चीज है। देखो जैसे मान लो बाबू ये आपका कैसा है, क्यूबाइड है, कैसे सर, दिख नहीं रहा बाबू, डब्बा है चारों तरफ से क्लोज पैक, है ना, तो क्या आपका क्यूबाइड है। ठीक, अब देखो ये फेस कैसा सर, ये वो फेस ये हो गया, ये जो सामने ये फेस हो गया, तो एक फेस हो गया, ये 2 गो हो गया, है ना, इधर करोगे 3 हो जाएगा, फिर इधर करोगे 4 हो जाएगा, है ना। अरे किनारे किनारे से ये जो आपको फेस दिखाई दे रहा कैसा है सर, क्यों, ये रेक्टेंगुलर फेस है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, 1 2 3 4, एक ऊपर में और एक नीचे, तो 6 हो गया टोटल, टोटल 6 हो गया, है ना। एज क्या होता है सर, 2 गो फेसेस, 2 गो फेस, एक फेस इधर और एक फेस इधर, ये दोनों फेस बाबू जहाँ पे बाबू मिलेगा वहां पे वो आपको कैसा रहेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा इस तरह से। बोला मेरा 2 गो फेस है, एगो फेस इधर है ना जी, तो इसको ऊपर बढ़ा, एगो फेस इधर है इसको करो, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना बाबू, तो इसी को क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, मतलब 2 गो फेसेस बाबू जहाँ पे मिलेगा है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक ये लाइन सेगमेंट होगा, इसी को क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, तो खुलेगा नहीं है ना,
और एगो फेस इधर से है, एगो फेस इधर से है, तो दो गो फेस मिल रहा है यहाँ पे, तो यही क्या होगा, एज एज होगा, क्या होगा, एज एज होगा, है ना, इसको एज कहेंगे। तो टोटल का एज होगा जी, उसी तरह से ये वाला एगो इधर वाला फेस मिलेगा, एगो इधर से मिलेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक एज यहाँ होगा, है ना, उसी तरह से बोला एक फेस इधर है ना, एगो ऊपर से मिल रहा, तो ये जो आपको बनेगा क्या बनेगा, एज एज बनेगा, ये क्या बनेगा, एज एज बनेगा, है ना। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, ये जो है ये क्या है, एज है, ये क्या है बाबू, आपका एज है, टोटल जो डंटी जैसा ये लाइन सेगमेंट आपका जो है, ये आपका क्या है, एज है ना, ये जो लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है यही क्या है, एज है। तो टोटल कई गो एज होता है, 12 एज होता है, टोटल कितना होता है, 12 एज। कैसे सर, 4 एज ऊपर, एक एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, चार किनारा ऊपर, चार किनारा इधर, 8 हो गया, एक ये वाला किनारा इधर, एक किनारा इधर, एक किनारा इधर, एजेज मीन्स क्या होता है, किनारा होता है, तो इधर, तो टोटल 12 एजेज होगा। काउंट भी कर सकते हो, एक दो चार नीचे, चार ऊपर, एक दो इधर और तीन चार इधर, तो 12 एजेज हो गया, है ना, 12 एजेज हो गया, ठीक। वर्टिक्स क्या होता है, वर्टिक्स क्या होता है, है ना बाबू, एजेज जहाँ पर दो या दो से ज्यादा एजेज जहाँ पे मिलेंगे, है ना, जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, उसी को क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे। मतलब क्या सर, एगो एज ये मिला ना जी, एगो एज इधर से आया, एगो एज इधर से आया, एगो एज नीचे से आया, तो ये तीनों एज यहाँ पे मिल रहा, यही क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा। कॉन्सेप्ट सीखते चलो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट है ना। वर्टिक्स कैसे बनेगा सर, तो जहाँ पे एजेज मिलेगा, जैसे एगो एज ये मिल गया, इधर से एगो ये आ गया, ये आ गया, दो या दो से ज्यादा एज जहाँ पे मिलेगा, तो वही जो मिलन पॉइंट होगा उसी को क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, है ना, वर्टिक्स कहेंगे। समझते चलना, है ना, समझते चलना, ठीक। जैसे बाबू समझो, समझो, जैसे एगो यहाँ से ऊपर चला, एगो एज यहाँ पे आ गया, दूसरा एज आ गया, एगो एज इधर से आ गया, तो ये तीनों एज यहाँ मिल रहा है ना, तो यही क्यों बैठ के क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा, क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा, है ना, वर्टिक्स बनेगा। तो सिंगुलर होता है वर्टिक्स, और प्लुरल होता है वर्टिसेस, प्लुरल क्या होता है, वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस होता है, ठीक। जैसे यहाँ भी बाबू, तो यहाँ पे दो से दो, दो या दो से ज्यादा एज मिल रहा है, एक एज दो एज, इधर से तीन एज, है ना, तो ये भी वर्टिक्स होगा, ये भी वर्टिक्स होगा, ये भी वर्टिक्स होगा, है ना। जहाँ पे एज आके मिलेगा वही मेरा क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा, क्या बनेगा, वर्टिक्स बनेगा, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ज्योति बिड़ी ऑन कर जी, या निखिल बाबू ऑन कीजिए जी, निखिल ने समझना बाबू, समझते चलना, समझ, खाली समझने का चीज होता, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं बाबू, सारा चीज बाबू प्रैक्टिकल कर 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 पढ़ोगे ना, तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। होता क्या बाबू है ना, कि टीचर आते हैं इसी तरह से फिगर बना देते हैं, है ना, कन्फ्यूजिया होकर कन्फ्यूज आ जाते हैं ना, ठीक। तो फेसेस क्या होगा बाबू, जो सामने वाला बाबू, शांति से समझो, देखो ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा इसको क्या कहोगे, फेस कहोगे, इसको क्या कहोगे, फेस कहोगे, फेस कहोगे, ये दोनों फेस यहाँ पे मिलेगा उसको क्या कह दोगे, एज कहोगे। अब एगो एज इधर से, एगो एज इधर से, एगो एज इधर से, तीनों एज यहाँ पे कोना पे आके मिलेगा, इसको क्या कह देंगे, वर्टिक्स कह देंगे, क्या कह देंगे, संजना बोली, वर्टिक्स कह देंगे ना, क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे ना, वर्टिक्स कहेंगे, ठीक। एज हो गया, वर्टिक्स हो गया, आगे बाबू क्या बाबू, है ना, तो टोटल कई गो वर्टिक्स होगा, 8 गो वर्टिक्स होगा, कई गो बिंदु है, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, है ना, तो टोटल कई वर्टिक्स, 8 वर्टिक्स। आगे क्या है सर, बेस, बेस है और लेटरल सरफेस है ना, लेटरल सरफेस है ना, दो चीज और समझना है ना, बेस किसको कहेंगे सर, बेस किसको कहेंगे, तो क्यूब जैसे खड़ा है, जैसे क्यूब ऐसे रखल है, तो क्यूब अगर ऐसे रखल है बाबू, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है इसी को क्या कहोगे, बेस कहोगे, इसी को क्या कहोगे, बेस कहोगे। क्यूब ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया अभी, तो ये वाला हो गया, तो आपका बेस कोई भी फेसेस हो सकता है, कोई भी सरफेस आपका क्या हो सकता है, बेस हो, क्यूब ऐसे रख दिया, नहीं रख सकते सर, नो नहीं रख सकते, कहाँ नहीं रखेंगे, तो ऐसे क्यूब रख दिया, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ऐसे क्यूब रख दिया, तो इसी को हम लोग क्या, नीचे वाला जो पोर्शन है इसी, ये वाला और ये वाला नीचे ऊपर इसका है ना, आप ये वाला और ये वाला इसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, है ना, समझते चलना, है ना, ठीक, है ना। जैसे ये हो गया इसके जस्ट ऊपर, ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया, है ना, बेस हो गया, ठीक, ये हो गया, आप क्यूब को ऐसे रख दो, तो अब ये वाला हो जाएगा, ये वाला और इसका ऊपर ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना, बेस हो जाएगा, ठीक। तो बेसिस मेरा यही होता है ना, बेसिस मेरा क्या होता है, यही होता है ना, मतलब वही बबू है ना बबू, एनी फेस ऑफ क्यूबॉइड बबू मे बी कॉल्ड एज बेस, है ना, क्यूबॉइड का कोई भी फेस, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो, तो कोई भी फेस को आप क्या कह सकते हो, कोई किसी है ना, किसी भी फेस को आप बेस कह सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी को हम लोग बेस कहेंगे या इसी फेस को बेस कहेंगे, किसी भी है ना वो, किसी भी फेस को आप बेस कह सकते हो, है ना, कह सकते हो ना, ठीक। इतना समझ में आ गया ना, जैसे मान लो क्यूबॉइड ऐसे रखा है, तो ये नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा,
ऐसे रखल हो तब ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो कोई भी फेस आपका क्या हो सकता है, बेस हो सकता है, बेस हो सकता है ना, समझते चलना, समझते चलना है ना, समझते चलना। ठीक, नेक्स्ट बेस हो गया। नेक्स्ट बाबू लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस क्या होता है ना, तो जिस पे बाबू जौन से है ना बाबू, जिस बेस पे बाबू सारा का सारा सरफेस टिका हुआ रहता है ना, फेसेस टिका हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस कहते हैं, लेटरल सरफेस कहते हैं ना। और आगे वही आएगा आपका क्या, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब क्या सर, अब समझो, जैसे मान लो क्यूब ऐसे रखल है ना, ठीक, तो ये क्यूब का क्या हो गया, नीचे वाला बेस हो गया, तो इस पे कितना फेसेस है, इस बेस पे बाबू कितना फेसेस है, जितना फेस रहेगा वही लेटरल सरफेस होगा। तो ये जो बेस है कितना फेस है, एगो ये फेस है इसी बेस पे ना बाबू, जो बेस आप अगर आप कर रहे हो उससे कितना फेसेस जुड़ल है, एगो ये फेस जुड़ल है, एगो ये फेस जुड़ल है, एगो ये फेस जुड़ल है, और एगो किधर जुड़ल है, ये फेस जुड़ल है ऊपर वाला नहीं, जिस जिसको आप बेस मान रहे हो तो उस बेस से कितना फेसेस जुड़ा हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे। जो भी शुरू से बताए हैं सारा का सारा इंटरलिंक है ना, इंटरलिंक है ना। बेस किसको कहोगे, किसी एक फेस को आप बेस मान लो, ठीक, मान लो नीचे वाला को ये वाला बेस मेरा क्या हो गया, ये वाला फेस मेरा बेस हो गया। अब इस बेस पे कौन कौन सा फेस है, इस बेस से कौन कौन सा फेस जुड़ल है, अरे से तनी नीचे वाला फेस है ना, तेरे से कौन कौन सा बेस जुड़ल है ना, इस बेस से कौन कौन सा फेस जुड़ा हुआ है, तो इस बेस से एगो ई फेस जुड़ा हुआ है, एगो ई फेस जुड़ा हुआ है, ये दो गो हो गया, और इसी बेस से एगो ई जुड़ा हुआ है, तीन गो हो गया, एगो इधर ये जुड़ा हुआ है, चार को जुड़ा हुआ। तो ये चारों क्या हो गया आपका, लेटरल सरफेस हो गया। क्या हो गया, लेटरल सरफेस हो गया। यानी कि वीडियो ऑन करो जति बाबू, ऑन कीजिए जी, ये सब शैतान खाली वीडियो बंद करके अथी करती रहती है। यानी कि ऑन करो बाबू, तो इतना समझ गया। तो आगे हम लोग निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले को बच्चा को तो पता नहीं चलता सर लेटरल सरफेस क्या होता है। लेटरल सरफेस कुछ नहीं होता बाबू, किसी एक को आप बेस मान लो, किसी एक फेस को बेस मान लो, और उस बेस से बाबू कौन कौन सा फेस जुड़ा हुआ है, माने उस बेस पे कौन कौन सा फेस खड़ा है। तो मान लो अगर ऐसे मान रहे हो, शांति समझो, मान लो इसको बेस मान रहे हो, तो यहाँ पे कई गो फेस खड़ा है, ई वाला, फिर इधर से एगो ई वाला है ना, इसी बेस पे है ना ये वाला भी खड़ा है, और इसी बेस पे ये पीछे भी खड़ा है ना, पीछे वाला भी खड़ा है। मतलब जो बेस मान रहे हैं ना, तो से कई गो पिलर, एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर, तो चार गो। तो एक क्यूबॉइड में कितना लेटरल सरफेस होगा, चार गो सरफेस होगा ना, ऊपर वाला छोड़ देना है ना, बेस वाला और ऊपर वाला छोड़ के है ना बाबू, जो चारों बचेगा है ना वही आपका क्या होगा, लेटरल सरफेस होगा। क्या होगा, लेटरल सरफेस होगा। ऐसे रखोगे तो ई वाला है ना, ये वाला है ना, ये वाला है ना, ये वाला, ये सारे का सारे क्या बनेगा, लेटरल सरफेस बनेगा, ऊपर वाला और बेस वाला छोड़ के है ना, इतना है ना, इतना आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे है ना, वैल्यूम का क्यूब निकालेंगे, भलो क्यूबॉइड का वैल्यूम निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वैल्यूम का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और डायगोनल का फॉर्मूला। क्या करेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला करेंगे ना, डायगोनल का करेंगे है ना। तो इतना हम लोग सीखेंगे है ना, इतना सीखेंगे, ठीक है ना बाबू। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, तो ये हो गया, तो वही लिखा हुआ है ना, वर्टेक्स क्या होगा बता दिए भोला, एनी टू मोर एजेज बाबू मीट, एगो इधर एज एगो इधर एज, जहाँ मीट करेगा उसको वर्टेक्स कहेंगे, तो टोटल आठ को वर्टेक्स। बेस क्या कहोगे, किसी एक को बाबू मान लो बेस है ना, मान लो इसी को बेस मान लेते हो है ना, ये आपका बेस हो गया है ना, तो लेटरल सरफेस किसको कहोगे, इस बेस से कौन कौन सा अटैच है उसी को क्या कहोगे, लेटरल सरफेस कहोगे है ना, लेटरल सरफेस कहोगे। तो नेक्स्ट बोला, ठीक ठीक सर, तो बेस में बाबू क्या हो जाएगा, बेस हो गया, लेटरल सरफेस को डिफाइन करते हैं और यही फिगर रह देते हैं बाबू, दुबर कल आप लोग दुबर बनाना है ना। नेक्स्ट बाबू, इतना समझ गया, समझते चलो, ये एकदम सबसे आसान वाला टॉपिक है, सारा चीज हम लोग प्रैक्टिकल कर करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा है ना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, ये आपका क्या हो गया सर, बेस हो गया बाबू, ये वाला जो नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया है ना। ठीक सर, अब इस बेस से बाबू जो बाबू आपका सरफेस है ना बाबू, जो फेस अटैच है
तो कौन सा है बाबू? एक इधर वाला अटैच है, इस बेस से कौन कौन सा बाबू फेसेस अटैच है? तो एक इधर वाला अटैच है, यही है ना, है ना? एक ये हो जाएगा सर, एक ये आपका ये हो जाएगा सर, ये दो हो गया, एक फ्रंट हो जाएगा, एक बैक वाला हो जाएगा, ऊपर वाला छोड़ देना बॉटम वाला। तो ये आपका क्या बनेगा? लेटरल फेस बनेगा। क्या बनेगा? लेटरल सरफेस बनेगा, है ना? क्या बनेगा? लेटरल सरफेस बनेगा। अब इसी का एरिया निकालेंगे, है ना? इसी का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस का एरिया निकालेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, है ना? लेटरल सरफेस एरिया। तो एक इधर, एक इधर बेस से, इस बेस पे कौन कौन सा खड़ा है? एक इधर, एक खिरा, एक फ्रंट वाला होगा, एक बैक वाला होगा, एक बैक वाला होगा, है ना? बैक वाला होगा, ठीक। तो नेक्स्ट डिफाइन करेंगे लेटरल सरफेस। जो यहाँ है वही आपका मेरा किस में होगा? क्यूबॉइड में होगा। जो क्यूबॉइड का है वही, सॉरी बाबू, उसे वही मेरा क्या होगा? सेम क्यूब का होगा। सेम क्या होगा? क्यूब का होगा, है ना? तो नेक्स्ट बाबू डिफाइन करो लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, है ना? नेक्स्ट फिर से बनाइए आप लोग, लेटरल सरफेस, सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। मन से पढ़ते चलना बाबू संजना, ये शैतान कब सुनेगी? लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। ए बिट्टू कहाँ बंद है भोला? ए निखिल कहाँ हो जी? निखिल अभी पहुंचबे क्या बाबू? निखिल, नेट ए निखिल, नेट कहाँ खत्म हो गया जी? क्लास होने के जी, सर, नेट नहीं खत्म हुआ। द फोर फेसेस बाबू बीच मीट। द फोर फेसेस बीच मीट एट द बेस। द फोर फेसेस बीच, चार को फेस बाबू, जो बेस पे क्या होगा? मीट होगा, मीट एट द बेस और कॉल्ड, और कॉल्ड। बेटो समझ में आता है बोला थोड़ा थोड़ा बाबू? यस सर। हाँ, तो अभी इस बार बता देना है 9th बोला को, है ना बाबू? और फिर 9th में रहोगे तो 10th वाला को हेल्प करना है आपको, हमेशा एक ऐसा क्लास आगे वाला को हेल्प करना। द फोर फेसेस बीच मीट एट द बेस बाबू आर कॉल्ड लेटरल सरफेस। है ना? तो चार होगा सर कैसे? अरे एगो इधर है, एगो उधर है, और एगो फ्रंट में है, एगो बैक में। तो फ्रंट वाला बैक वाला को पेंट करोगे तो फिर हौचपोच हो जाएगा, इसीलिए नहीं पेंट किए हैं, है ना? फिर से आप लोग ड्रा करो। काहे ज्योति? यस काहे वीडियो बंद है? बोलिए, चैट चल रहा है बाबू, इसका तो हमेशा चैटे चलते रहता है। वो सर, आप एक बात को लेकर बार बार बोलते रहते हैं, तो छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। नेक्स्ट बाबा फॉर्मूला। ऑफ क्यूबॉइड लेट, मान लो लेट बाबू, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मान लेते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना सर? एल मान लेते हैं। ब्रेथ को कितना मान लेते हैं? ब्रेथ बी मान लो, और हाइट को क्या मान लो? एच मान लो, हाइट एच मान लो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखो, समझाते हैं। बेस एरिया,
वेस एरिया इनटू हाइट, लिखिए समझाते हैं। बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया बेस एरिया बाबू, इनटू हाइट, यही हो जाएगा एल बी एच हो जाएगा, सी क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। लिखो समझाते हैं बाबा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, कैसे याद रखोगे, एल बी एच होता है लेंथ ब्रेथ हाइट का प्रोडक्ट होता है, क्यूबिक यूनिट साइड हो जाए तो लिखिए समझाते हैं। ये अंशुजीत कहाँ चल गया जी, अंशुजीत लिखो समझाते हैं क्या नहीं जी। श्रुति काय बोले, श्रुति नेटवर्क सर, इससे पहले भी कुछ लिखवाए हैं अभी। कहाँ गया था? नहीं बाबू, इससे पहले बाबू वह फर्स्ट पे जो था। शुरू में लिखवाए थे वही ना बस। हाँ जल्दी लिखिए, समझाना है। ईशांत बाबू नई लाइट है बाबू, ईशांत ईशांत क्या क्या सर? बाबू, आप मोबाइल पे क्या है, फिंगर क्यों रखे हुए रहता है? मोबाइल पे बाबू फिंगर रख देता, अंधेरा ही तो रहता है, फिंगर कहाँ से लगता लगेंगे सर? लिख रहे तो फिंगर है। अंधेरा कैसे हो जाता भोला, कुछ रख देते होगे तभी ना कैमरा पे बाबू अंधेरा होता है भोला। लिखे जल्दी समझाते हैं। एल बी एच का मतलब समझना है ना, मतलब समझना है, ऐसे मत कुछ याद कर लेना। लिखा जी, लिखी गुनगुन, यस सर। चलो ठीक है बोल। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या चीज है जी, फिर से फिगर बनाएंगे हम लोग है ना, फिर से बनाएंगे और समझाने की कोशिश करते बाबू, ये सब मिटाएंगे है ना, नीचे फार्मूला लिखना है तो फिगर आपको फिर से ड्रा करना पड़ेगा, खराब लग रहा है। देखो पहले समझाते बाबू है ना, उसके बाद फिगर फिर से ड्रा करते कि नहीं। तेरा उसने लिख रहे भोले, तो उसने सर साइड नेक्स्ट कर देना बाबू, थोड़ा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए बाबू, उधर कदम जिंदगी जीने में लगा ले। आर्यन, ए आर्यन जिंदगी जी रहा है जी, देखो ना एकदम जिंदगी जीने में लगा हुआ। चलो ठीक है समझो। देखो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो क्यूबाइड क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, शांति से समझना है ना, शांति से समझना, कुछ नहीं, एकदम आसान सा टॉपिक है ना, आसान सा है कि नहीं बोल रहा। ठीक देखो बाबू, देखो मान लो एक कार्ड है ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है बाबू, तो सरफेस एरिया, जैसे ये कार्ड है बोला तो इसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगल शेप है तो इसका लेंथ होगा ब्रेथ होगा, क्या होगा, एगो लेंथ मानोगे एगो क्या मानोगे, ब्रेथ मानोगे, मतलब क्या सर,
अरे बाबू ये मेरा कार्ड है, तो एगो के इधर सरफेस को एल मान लो और इधर क्या मान लो बी मान लो, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा क्या देगा, एरिया देगा। इसका एरिया पूछेगा रेक्टेंगल का, तो एरिया कितना होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। हाँ सर यही तो होता है, ये आपका ब्रेथ हो गया, ई एल हो गया, है ना। ठीक, इतना समझ गया है ना। ठीक सर, है ना। तो इसका इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है वो, तो ये आपको बताया था वो क्यूबाइड हम लोग बनाएंगे कैसे, तो एक वो रेक्टेंगल हो गया, तो इसका जो आपका वो बेस हो गया, है ना। ये जो बेस है इसको बेस ना मानोगे जी, है ना। तो ये जो बेस का एरिया है क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इस पे दूसरा रखो, इस पे दूसरा ऐसे रखते जाओ, इसको क्या रखो, रखते जाओ। तो जितना भी बाबू ये रेक्टेंगल रखोगे तो बेस एरिया तो सेम ही रहेगा ना जी, लेंथ वही ब्रेथ वही। और जैसे जैसे इस पे रखते जाओगे भोला, जैसे जैसे इसको इस पे रखते जाओगे, जैसे जैसे रखते जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, लेंथ ब्रेथ तो वही है, लेंथ ब्रेथ मेरा वही है। इस पे जैसे जैसे रखते जाओगे भोला, ऐसे रखते जाओगे भोला, तो आपका क्या हो गया, बेस तो मेरा वही हो गया, लेंथ और ब्रेथ है ना जी बेस जी, ये भी लेंथ और इधर ब्रेथ हो गया। और इस पे रखते जाओ तो क्या इसमें चेंज हो रहा है, क्या इसमें चेंज हो रहा है, क्या इसमें चेंज हो रहा है, वो लेंथ ब्रेथ तो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, इस तरह से क्या हो गया, ऊंचा हो गया, है ना। तो क्या आ गया सर, अब जमीन इस बोर्ड से क्या हो गया, हाइट पे आ गया ना, क्या आ गया, हाइट पे आ गया, है ना, हाइट पे आ गया। तो जो इसका वैल्यूम निकालो कैसे, तो जो लेंथ इंटू ब्रेथ है और ये जितना ऊंचा आया है मतलब हाइट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो वही अब ये पहले क्या था, रेक्टेंगल था, पहले एगो कार्ड क्या था, रेक्टेंगल था, इसमें बहुत सारा कार्ड रखते गया रखते गया रखते गया, है ना। तो इतना ऊंचा हो गया, मतलब बेस एरिया में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट से। तो यही मेरा क्या दे देगा, वैल्यूम दे देगा, किसका, क्यूबाइड का वैल्यूम देगा। जो रेक्टेंगल का बाबू क्यूबाइड का बेस कैसा है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया आप प्लस क्या, हाइट, प्लस क्या, हाइट प्लस क्या करोगे, हाइट करोगे, है ना। ये इतना जो इसका हाइट होगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या दे देगा आपका, वॉल्यूम दे देगा, क्या देगा, वॉल्यूम दे देगा। ठीक, आगे आपको क्या समझना, लेटरल सरफेस एरिया समझना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, तो एक क्यूब बनाएंगे, क्यूबाइड बनाएंगे बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा तो एक क्यूबाइड बनाओगे ना जी। ठीक सर, है ना। तो उसमें साइड वगैरह इंडिकेट करोगे, फ्री हैंड से बना लेते बाबू, बार बार स्केल कितना का यूज करेंगे। ये मान लो बाबू आपका कितना है, एक क्यूबाइड है ना। हाँ सर, है सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो अब इसमें लेंथ और ब्रेथ हाइट करने लेगा, कौन कौन साइड लेगा, तो ये जो नीचे वाला साइडवा है इसको क्या मानेंगे, लेंथ मानेंगे। जो नीचे वाला साइडवा है इसको लेंथ मानेंगे, ये वाला जो साइडवा है बाबू ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। हाइट कौन हो जाएगा सर, हाइट कौन हो जाएगा बाबू, ये जो हाइट, ये जो है ये वाला, ये वाला कौन वाला सर, ये वाला हाइट वा, यही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, है ना, यही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालना, तो बेस क्या है, लेंथ है इंटू ब्रेथ, यही जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यही ना बेस का एरिया रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। तो रेक्टेंगल का एरिया बचपन में क्या पढ़े थे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। हाँ सर, रेक्टेंगल का एरिया तो यही पढ़े थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप प्लस जो ऊंचाई है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यूम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वैल्यूम निकल जाएगा क्यूबाइड का। ठीक, यूनिट कैसे नापोगे, क्यूबिक में नापेंगे, यहाँ मीटर रहेगा तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर रहेगा क्यूबिक सेंटीमीटर, डेसीमीटर रहेगा तो डेसीमीटर, है ना। इसीलिए यूनिट लिखा गया, यूनिट की जगह मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ स्पेसिफाई नहीं ना जी कि लेंथ आप कैसे ले रहे हो, तो जो भी रहेगा क्यूबिक तो रहे करेगा, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ यूनिट लिख दिया, है ना। तो यही क्या होता है, वैल्यूम होता है, यही क्या होता है, वैल्यूम होता है, याद रखना है ना इस कंसेप्ट को, हमेशा याद रखना, वैल्यूम एलवीएच तो याद रखना ही, लेकिन कैसे बोलना, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में, जो बेस का एरिया है इंटू हाइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं, ये सब तो बचपन में बच्चा याद करता है ना, एलवीएच, है ना। तो वैल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या, हाइट, है ना, बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। आप ऐसे करके याद रख सकते हो, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया है ना बाबू, एक नंबर फॉर्मूला हो गया, वैल्यूम हो गया, अब टोटल सरफेस एरिया,
दूसरा नंबर बाबू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, शांति से समझना। टोटल सरफेस एरिया है ना, ठीक। अब देखो समझो, अब इसको टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस कै गो है सर, छः गो। टोटल सरफेस कै गो, छः गो। अब समझते चलना है, थोड़ा सा शांति से सुनो। टोटल सरफेस कै गो है सर, छः गो है। देखो ये डब्बा बाबू, अब यहाँ से काउंट करो है ना। चलो यहीं से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ एक नंबर, एक सरफेस, एक ये फेस ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया, एरिया मतलब क्या, हमेशा ले दो दो चीज रहेगा एरिया में, दो डायमेंशन रहेगा एरिया। जब भी आएगा दो डायमेंशन, वॉल्यूम जब भी आएगा तीन डायमेंशन है ना। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल फेस का एरिया, एगो एक फेस ये हो गया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इधर का एरिया और इधर का एरिया। तो टोटल छह वो फेस का जो एरिया निकाल दोगे ना, यही क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बात समझ में आता है कि जो छह वो फेस का एरिया निकाल दोगे, ये फेस छह वो फेस है ना जी। हाँ सर, ये फेस का एरिया, ये फेस का एरिया, ये फेस का एरिया, ये फेस का एरिया, ये फेस का एरिया और ये फेस का, ये फेस का, छह वो फेस का एरिया निकाल दोगे तो उसी को क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। अब निकालेंगे कैसे सर, कैसे निकालेंगे, तो वही सीखना है कैसे निकालोगे। देखो कैसे निकालना है ना, मान लो एक नंबर है इधर से रख रहे हो, तो एक नंबर में आपको क्या है दिखाई दे रहा है, ये क्या, अगर ऐसे रखोगे तो ये आपका लेंथ है बनेगा ना जी, और इधर क्या बनेगा, ब्रेथ बनेगा। शांति से समझते चलना। एक नंबर में बाबू लो ऐसे कर देते हैं, तो एक नंबर में बोला ये एक नंबर फेस हो गया, तो ये क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है ना। तो टोटल सरफेस एरिया इसका एरिया है ना, इसका एरिया, तो क्या इसका एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लिखते चलते हैं बोर्ड पे, हल्ला शांति समझते चलना। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, एगो एल बी हो गया है ना, एगो हुआ एल बी, ठीक। एक नंबर इसका जस्ट अपोजिट करो, इस फेस का अपोजिट करने जाओगे इसका नीचे में, अरे एक कर अपोजिट में ये ऊपर है, तो अगर नीचे जाओगे तो नीचे आ जाओ, तो नीचे दो नंबर आ गया। तो दो नंबर में भी क्या होगा बाबू, दो नंबर में भी बोला है ना क्या है, ऐसे है जी, चलो कैसे रखो ना जी, ऐसे रखो, तो ये लेंथ है, दो नंबर में भी क्या है लेंथ है और इधर वाला क्या है ब्रेथ है। अरे ये देखो संदेश में, ये वाला लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये वाला ऊंचाई क्या हो गया, हाइट, हाइट हो गया। ये आपका लेंथ हो गया, इधर ब्रेथ हो गया और ई जो हो गया आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक। तो इसका एरिया दो नंबर का कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दो इंटू ब्रेथ है ना, तो दो हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ दो बार हो गया, ठीक। और कई गो फेस हो गया, दो हो गया, तिरछा लो है ना, तीन नंबर का एक ये वाला फेस हो गया, ये भी फेस है ना, तो इसमें क्या क्या चीज है ये सोचो, तीन नंबर फेस है, समझते चलना जी। इसमें क्या है सर, ये लेंथ है और ये हाइट होगा ना बाबू, इसमें कौन है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तीसरा नंबर फेस हो गया। अरे मेरे लाल, इसमें डायमेंशन कौन है, लेंथ आएगा, एगो क्या आएगा, हाइट आएगा, मुंह लट के ले। तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू एच, इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू एच, तो कितना हो जाएगा, एल एच हो जाएगा है ना, एल एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा, ठीक। तीन नंबर इसके जस्ट अपोजिट चलो उल्टा में, इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे उल्टा में है ना, तो उल्टा में चलेंगे तो इधर होगा है ना, तो इधर, तो ये चार नंबर हो गया। तो इसमें भी क्या है सर, लेंथ है सर और ये हाइट है, एल है और एच है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल एच हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल एच हो जाएगा है ना, ठीक। कै गो हो गया, चार गो हो गया, अब कौन बच गया, ऊपर वाला हो गया, इधर हो गया, इसका अपोजिट होगा, ये किनारा वाला बच गया। तो अब इस किनारे में कौन कौन डायमेंशन होगा, ये किनारा में कौन कौन डायमेंशन होगा, ये किनारे में कौन डायमेंशन होगा, तो ये क्या है बाबू, ये लंबा वाला लेंथ है, इधर ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ होगा, ये हाइट होगा, ये ब्रेथ है, ये क्या हाइट है। अरे मेरे से, तन मुंह का लटके ले जाइए, देखो ये लंबा वाला लेंथ है, ये जो चौड़ाई है ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इस नंबर में बाबू क्या आएगा, ये ब्रेथ आएगा और ये क्या आएगा, हाइट आएगा, ये ब्रेथ आ जाएगा और ये हाइट आ जाएगा। तो इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या, बी इंटू एच, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू एच होता है ना जी, हाँ सर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा का एक और, इसके जस्ट उल्टा में होगा, छह गो फेस है, इसका उल्टा में चलो है ना, तो इसमें भी क्या रहेगा सर, बी रहेगा और एच रहेगा, तो इसका एरिया, तो बी इंटू एच इसका एरिया है ना। तो यही टोटल सरफेस एरिया होता, यही जब निकालोगे तो यही क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया है ना, टोटल सरफेस क्या हो गया, एरिया हो गया।
तो कई गो टू एल बी है, दो गो एल बी है, प्लस क्या है, दो गो एच एल कह सकते हो या एल एच कह सकते हो, अब प्लस दो गो क्या है, बी एच है ना। तो यही आप लोग के बुक में दिया होता है, दो कॉमन लेके कितना हो जाता है, एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल है ना, बी एच प्लस एच एल, गुड इवनिंग सर, यही गुड इवनिंग सर, गुड ऐसा था। यही इवनिंग इसमें सर, दो गुड को यही इवनिंग दो सर, कॉमन गुड लोगे तो क्या होगा, इवनिंग एल एल सर, बी गुड ऐसा इवनिंग था, यही क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, इसको बादल बना के लिख लेंगे है ना, है ना। तो यही टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या बाबू, टोटल फेस है, तो टोटल 6 गो फेस है, तो 6 गो फेस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लेंथ है, किस कौन से फेस में लेंथ ब्रेथ होगा, कौन से फेस में बी एच होगा, कौन से फेस में एच एल होगा, कौन से फेस में क्या होगा एच एल होगा, है ना। तो यही फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया किसका बाबू, ऑफ सर। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का तो लिखल है ही है ना, ऑफ क्यूबॉइड है ना। तो सीखो, आपको क्वेश्चन क्यों नहीं बनता बाबू, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन पाता। जितना बताए हैं स्टेप बाय सीखते चलोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, यहाँ क्वेश्चन का बेसिक क्यों नहीं आपको क्लियर रहता है बाबू, अब क्वेश्चन बनाने चले तो कहाँ से बनाएंगे। अगला क्या बाबू, लेटरल सर्फेस एरिया है ना, लेटरल सर्फेस एरिया है ना, तो इसी में दुगो को हटाना, दुगो को हटा देंगे तो लेटरल सर्फेस एरिया निकल जाएगा, अब कौन दो को हटाएंगे सर, वही आपको सोचना है, इसमें दो को हटा दोगे तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा है ना, लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा ठीक है ना बाबू। तो उसको कल है रह देंगे, इतना तक रहने दो है ना, उसको कल है बता देंगे। गुड इवनिंग सर, अच्छा ठीक है बाय सर, बस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबा। बाय सर। गुड इवनिंग सर।